नमस्कार दोस्तों, कुछ सालों से साउथ इंडस्ट्री बहुत उभर कर आई है, चाहे इनके एक्शंस हो या कॉमेडी या स्टोरी लाइन, इन्होंने हर बार खुद को अच्छे से डेवलप किया है। कल मैंने एक ऐसी मूवी देखी जिसने मेरा दिमाग खराब कर दिया और मैं सोचने लगा कि कैसे किसी ने इसे नोटिस नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि जाने दो, अच्छा ही हुआ कम से कम रीमेक तो नहीं हुई हिंदी में। तो हम बात कर रहे हैं 2014 में रिलीज हुई तमिल फिल्म जिगर थंडा की, जिसकी तेलुगु रीमेक बनाई जा चुकी है पिछले साल और मैं ये दोनों मूवीज देख चुका हूँ। स्टोरीज की शुरुआत दोनों फिल्मों की एक जैसी है पर इन दोनों के एंड बिल्कुल अलग है, इसलिए साउथ इंडस्ट्री सबसे अलग दिखती है। मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चल जाएगा। अब बात करते हैं कहानी के बारे में। स्टोरी एक नए डायरेक्टर के बारे में है जिसने अभी अभी एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है और उसे अब खुद की फिल्म बनानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक टीवी शो के साथ जिसमें दो जजेस में झगड़ा चल रहा होता है, जो कि कार्तिक जिसकी शॉर्ट फिल्म है उसे लेकर होता है। दोनों जजेस में से एक जो है वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर है और वो इस झगड़े में कार्तिक की मूवी प्रोड्यूस करने का वादा करते हैं। इस तरह कार्तिक को उसकी पहली फिल्म बनाने का मौका मिल जाता है, पर प्रोड्यूसर उसके सामने एक शर्त रखता है कि उसे एक गैंगस्टर मूवी बनानी होगी जिससे वो पैसा कमा सके। इसके बाद कार्तिक अपने थोड़े दोस्तों की मदद से एक रियल लाइफ गैंगस्टर को ढूंढने में कामयाब भी हो जाता है और उसके गांव जाकर उसे फॉलो करना शुरू कर देता है। पर असल कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गैंगस्टर को पता चलता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। गैंगस्टर उसे मार देगा या उसकी हेल्प करेगा या आगे कहानी में कोई और ट्विस्ट आ जाएगा, ये सब तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चल जाएगा। पूरे 2.5 घंटों में फिल्म कहीं भी बोरिंग नहीं लगती। हाँ, फिल्म तमिल लैंग्वेज में है पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ आप इस मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी को देखना कहाँ पर है? ये मूवी हॉटस्टार पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है और इसकी रीमेक का नाम है वाल्मीकि। मूवी भी आपको हॉटस्टार पे ही मिल जाएगी। तो देर किस बात की, फिल्म देखने के बाद कमेंट करना मत भूलना और ऐसे ही बेहतरीन मूवीज को देखने के लिए सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।